हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास। तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि कार्बन परिवार के जो तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास को भरना। अब हम आगे बात करेंगे कि वर्ग 15 के जो तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास हम कैसे भरते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है बच्चों। अब वर्ग 15 जो है आपके पास में, इस वर्ग 15 को आप यहाँ पर फिफ्थ ए बी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फिफ्थ ए बी बोल सकते हैं, या फिर आपके पास जो वर्ग 15 दिया गया है इसको आप नाइट्रोजन उर्वरक परिवार भी कह सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन परिवार या नाइट्रोजन उर्वरक परिवार भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो तत्व होंगे जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये सारे के सारे उर्वरक के रूप में काम किए जाते हैं। कृषि के रूप में जैसे हमारे पास जो खाद बीज जो काम लिया जाता है, यूरिया खाद जो होता है उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो परिवार होगा इसको हम नाइट्रोजन उर्वरक परिवार भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर इसका और नाम क्या हो सकता है। तो इसका दूसरा नाम भी हो सकता है आपके पास में निकोजन, निकोजन परिवार भी बोल सकते हैं, ठीक है। निकोजन जिसको बोल सकते हैं, निकोजन जिसको बोल सकते हैं बच्चों। आपके पास में इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा, इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा NH2NP3। क्या होगा? NH2NP3। और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे बच्चों 3 और 2 5। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपके पास में तत्व दिए गए हैं। अब ये तत्व कौन कौन से हैं तो देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये हो जाएगा आपके पास में एंटमनी, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में? बिस्मिथ हो जाएगा बच्चों। अब बात करते हैं कि परमाणु क्रमांक की, तो उनका परमाणु क्रमांक कितना होगा आपके पास में? जब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो ये कार्बन के जस्ट आगे पाया जाता है, तो इसका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। सिलिकन का जो आपके पास में 14, ये कितना हो जाएगा? 15। ये हो जाएगा पास में 33 हो जाएगा बच्चों। 33 में आपको 18 ऐड करने हैं। 33 में आपने जैसे ही 18 ऐड किए तो आपके पास में क्या आएगा? यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा, ये तो परमाणु क्रमांक होगा। देखिए बच्चों, लास्ट टाइम पे हमने बात की थी कि सभी हमारे पास में जो परमाणु क्रमांक था वो आ रहा था 48। फिर हमने बात की थी 49 आ गया, तो कौन आ गया था? 50 आ गया था बच्चों। अब कौन आएगा हमारे पास में? 51 नंबर का आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें कितने ऐड करने? 18 ऐड करने। जैसे इसमें आप 18 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में? 51 नंबर का। अब इसमें 32 ऐड कर दो आप लोग। अब जैसे ही आप इसमें 32 ऐड करोगे तो ये कितने नंबर का हो जाएगा आपके पास में? 83 नंबर का हो जाएगा। तो ये तो हो गए इनके परमाणु क्रमांक। अब बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है बच्चों। ये क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ये क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 और 4p3, ठीक है बच्चों। अब आपके पास में आ रहा है 51 नंबर का, ये क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2 और 5p3, ठीक है बच्चों। अब बच गया हमारे पास में 83 नंबर का, जिसको हम बोलते हैं बिस्मिथ बोलते हैं। इसका प्रमाण क्रमांक लिखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14। हाँ बच्चों, ये जो तत्व आएगा, इस तत्व से पहले डी ब्लॉक के तत्व तो आते ही हैं, साथ ही साथ में ए ब्लॉक के तत्व भी आ गए, और हमने यहाँ पर क्या भर दिया? 4f14, ठीक है। आगे चलते हैं, 5s2, 5p6, 5d10,
फिर आएगा 6s2 और 6p3। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्या हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है क्या सही है क्या। तो देखते हैं हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 हैं। हमने अगर बात करें, लास्ट वीडियो में हमने बात भी की थी कि किसी भी परमाणु के पास में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे। तो हमने आपको बताया था कि ये जो आपके पास में नीचे जो संख्या लिखी होती है किसी भी तत्व के, जैसे मान लो आपके पास में एग्जाम्पल है नाइट्रोजन और यहाँ पर 7 ये इसका परमाणु, तो ये जो कहलाएगा, ये तो कहलाएगा परमाणु क्रमांक। क्या कहलाएगा? परमाणु क्रमांक। और ये क्या कहलाएगा? परमाणु भार। ठीक है, तो मैंने बोला था कि जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन उतने हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। तो बात करते हैं यहाँ पर आपके पास, देखो जेड कितना होगा, 7, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7, प्रोटॉन कितने होंगे 7, और न्यूट्रॉन को हम कैसे निकालते हैं, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे, मतलब कि ए माइनस में जेड, आंसर कितना आएगा 7। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी के मान आपस में क्या है, समान है। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3, 2, 5, 2, 7, ये भी सही है। यहाँ पर देखते हैं 2, 2, 4, 6, 10, ये हो गया 15, ये भी ठीक है। उसके बाद में इसका कैलकुलेट करते हैं, 2, 2, 4, 4, 6, 10, तो 12, 18, 28, 30 और 33, ये भी ठीक है। अब बात करते हैं क्या नंबर की, 2, 2, 4, ये 10, ये 12, ये 18, ये 28, ये 30, ये 36, ये कितने हो गए 46, और ये हो गए 48, 48, इसके कितने हो गए बच्चों 51, ये भी ठीक है। अब बात करते हैं 83 नंबर की, तो 83 नंबर में जितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं वो सारे सारे अगर कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, 83 आ जाएंगे। अब बात करते हैं सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन, और देखो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास NH2 NP3 था, यहाँ से देखते हैं, ये देखो क्या अंतिम इलेक्ट्रॉन P में जा रहा है, क्या बिल्कुल जा रहा है, किसमें जा रहा है, P में जा रहा है। अतः जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन P उपकोष में जाता है वो P ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, और जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में जाता है, S उपकोष में जाता है, वो S ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे, और जिन तत्वों में परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाएगा तो डी ब्लॉक के, अगर एस में जाएगा तो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो बच्चों वापस देखते हैं, हमारे पास में वर्ग 15 के तत्व हैं, इनका तो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है NH2 NK3 होता है, इसको हम नाइट्रोजन उर्वरक परिवार भी कह सकते हैं, नाइट्रोजन परिवार भी कह सकते हैं, और इनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे आपके पास में, 5 होंगे, और ये तत्व कौन से होंगे, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, और यहाँ पर आ जाएगा एंटीमनी, फिर क्या जाएगा बिस्मिथ। ठीक है बच्चों, बाकी बातें करेंगे हमें अगली क्लास में।